माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ और बच्चों को ढेर सारा प्यार देता हूँ। लेकर हाजिर हूँ फिर एक बार इम्पॉर्टेंट सीरीज देव गुरु बृहस्पति का कुंभ राशि में परिवर्तन, उसका क्या असर होगा वृश्चिक राशि वालों, उसकी चर्चा करेंगे, डिटेल में बताएंगे नौकरी व्यापार से लेके पारिवारिक जीवन से लेके धन से लेके उपाय तक। बस आपसे उम्मीद कि शेयर सब्सक्राइब लाइक कमेंट करके मेरा हौसला वर्धन करते रहिएगा। मुझसे डायरेक्ट जुड़ना है तो मेरा नीचे लिंक दिया जा रहा है फेसबुक का ट्विटर का, मुझे डायरेक्ट वहां फॉलो कर सकते हैं। चलिए सीधे आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा ये कि खास तौर से जो ये गोचर हो रहा है देवगुरु बृहस्पति का 21 नवंबर रात के 2:30 बजे के आसपास, ये अपनी नीच की राशि मकर से निकल के जहां पे शनि के साथ धर्म कर्म अधिपति योग बना रहे थे, नीच भंग राज योग बना रहे थे, वहां से निकलकर कुंभ में जाएंगे। कुंभ एक वायु तत्व की राशि, शनिदेव की राशि, जहां पर देव गुरु बृहस्पति को वरदान प्राप्त है कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे, और ये गोचर अगले 6 महीने 13 अप्रैल तक यहीं रहेंगे। इसके बाद मीन राशि में चले जाएंगे। इसी के साथ एक नए युग की शुरुआत होगी जहां पे देव गुरु बृहस्पति का गोचर जो पिछले काफी सालों से अक्टूबर और नवंबर में होता था वो अप्रैल की साइकिल में चला जाएगा। इस इतनी तेज गोचर मूव बृहस्पति मूव नहीं करते हैं, लगभग 12 से 13 महीने में मूव करते हैं, लेकिन इस बार 6 महीने में ये मूवमेंट हो रहा है। इसे अतिचारी बृहस्पति के नाम से जाना जाता है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं। उसके बावजूद आखिर शुभ प्लैनेट है, अच्छी राशि में जा रहे हैं, नीचत तो खत्म करके जा रहे हैं, तो रिजल्ट पहले से बेहतर मिलेंगे, पूर्ण रूप से बेहतर आपको बृहस्पति किसी की भी कुंडली में अप्रैल के बाद बेहतरी लाएंगे। तो ये मेन बात थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, काम हाउस काल पुरुष की कुंडली में 11वें भाव में, आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं 4थे भाव में मोक्ष का भाव है। निश्चित तौर पर यह डेडली कॉम्बिनेशन आपको बहुत लाभ देगा। इस दौरान धनिष्ठा नक्षत्र, षटभिषा नक्षत्र और पूर्वाभाद्रा नक्षत्र से होकर गुजरेंगे। नक्षत्र के हिसाब से भी इनका प्लेसमेंट अच्छा ही कहा जाएगा। निश्चित तौर पर इसीलिए यह गोचर खास तौर से तरक्की लेके आया है। क्या होगा आप पर असर, सबसे पहले ओवरऑल, फिर एक एक पहलुओं पर चर्चा करेंगे। देखिए आपकी कुंडली से 4थे भाव में, तो 4था भाव कहीं ना कहीं एक्टिवेटेड हो जाएगा। उसके एक्टिवेटेड होने से, क्योंकि आपके 5वें के स्वामी है चतुर्थेश में बैठे हैं, द्वितीयेश के स्वामी है चतुर्थेश में बैठे हैं, घर गाड़ी बंगला लेने जा रहे हैं, पैसे की तरक्की मिलने जा रही है, पैतृक संपत्ति में लाभ मिलने जा रहा है। अब एक यक्ष प्रश्न जो हर कोई पूछता है कि ये लग्न से देखें कि राशि से, तो भैया मेरे सारे राशि फल लग्न और राशि दोनों से देखने चाहिए। अगर आपकी वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है तो आप इसे सुनिए, इसको आत्मसात करिए, इसमें दिए हुए उपाय को पालन करिए। तो निश्चित तौर पर घर गाड़ी बंगले में अच्छा सुख, माता के स्वास्थ्य में लाभ, शिक्षा में लाभ, शिक्षा से संबंधित चीजों में लाभ, पैसे रुपये बढ़ने के लाभ मिलते दिख रहे हैं। शादी जिन लोगों की नहीं हो पा रही थी होती दिख रही है, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो रही है, विदेशों से लाभ मिल रहा है, पैतृक संपत्ति में निपटारा हो रहा है, सडन धन प्राप्ति के योग हैं, पारिवारिक तरक्की नौकरी में तरक्की दिख रही है। तो ओवरऑल इस गोचर का ये प्रभाव है। अब बात आपकी नौकरी की, व्यवसाय की, तो नौकरी व्यवसाय में निश्चित तौर पर बहुत बेहतरीन समय, दिन दूना रात चौगुना तरक्की करेंगे आप, कैरियर में नेम फेम पैसा रुतबा पोजीशन बढ़ने जा रही है, अच्छी नौकरी की तलाश में तो वो मुराद पूरी होने जा रही है, महत्वाकांक्षा पूर्ण होने जा रही है, प्रमोशन विद इन नौकरी में भी चांस बनते दिखते हैं। उसी के साथ साथ बॉसेस से अच्छी बनेगी, अधिकारी वर्ग आपका तारीफ करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन में कहीं ना कहीं आप एक अच्छे प्रभुत्व वाले व्यक्ति बन के उभरेंगे। सरकारी नौकरी में जो है उन्हें निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, प्रमोशन के चांसेस है, रुतबा बढ़ने के चांसेस है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की, निश्चित तौर पर प्रतियोगी परीक्षा में सफलता के चांसेस दिख रहे हैं,
सरकार द्वारा घर गाड़ी बंगले मिलने के चांसेस दिख रहे हैं, आईएएस पीसीएस निकलने के चांसेस दिख रहे हैं। व्यवसायिक वर्ग एक से ज्यादा बिजनेस करेगा उसमें उसे लाभ मिलेगा, जीवन बेहतर रहेगा, तरक्की के योग वहां पर भी दिखते हैं। निश्चित तौर पर पैसे रुपये की कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, नौकरी से व्यवसाय से आता रहेगा। एक से अधिक कार्य करने के लिए अगर मौका मिल रहा है जरूर करें, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं धन के मामलों। तो अगर धन के मामलों की बात करें तो निश्चित तौर पर भाग्यशाली है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी चौथे में, दूसरा डेली रूटीन इनकम मतलब तनख्वाह मीन सैलरी मीन असेट, पांचवा लक्ष्मी स्थान। तो शेयर मार्केट से लाभ, तनख्वाह बढ़ने जा रही है, आय के एक से ज्यादा स्रोत खुलने जा रहे हैं, धन की कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी, लग्जरी में घर गाड़ी बंगले में अच्छे से धन खर्च करेंगे, धन का सदुपयोग करेंगे, इन्वेस्टमेंट खासा लाभ देगा, शेयर मार्केट खासा लाभ आपको देने जा रही है अगले 6 महीने। धन में पैतृक संपत्ति से लाभ, पुराना रुका हुआ धन वापस आ सकता है, कर्ज निपट सकता है, सडन धन प्राप्ति मतलब अचानक धन प्राप्ति के योग दिख रहे हैं अगर कोई पुराना रुका हुआ धन फंसा हुआ है कहीं, पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा। बस वोमेन वाइन पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल मोर देन वन अफेयर इसके चांसेस बनते दिखते हैं, जिस वजह से पैसा बर्बाद या एक्सपेंडिचर हाई हो सकता है। क्या करें इसके उपाय, इसके लिए उपाय तो निश्चित तौर पर आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, गले पर यहां पर हर रोज बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का तिलक लगाइए अनाम का उंगली से, लाभ है। अब बात करते हैं भाई पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन की अगर बात करें तो पारिवारिक जीवन तो खुशहाल रहेगा, जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होंगे, जिनकी शादी की मुराद पूरी नहीं हो रही वो पूरी होगी, जिनकी शादी में रुकावट आ रही है वो खत्म होगी, जिनका जीवन जो है कहीं ना कहीं दिक्कतों से चल रहा है, खासतौर से अपने जीवन साथी के साथ मतभेद है, वो खत्म होंगे, उनका पटाक्षेप होगा, ससुराल पक्ष से कोई दिक्कत है खत्म होगी। अगले 6 महीने विवाह के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, जो लोग प्रेम में हैं वो शादी का प्रस्ताव रख सकते हैं, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। विवाह के लिए समय अच्छा, खासतौर से मैरिटल लाइफ में वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं जो चल रही थी वो खत्म होंगी, अगर आपकी वाइफ आपसे रुष्ट होकर रूठ कर चली गई थी वापस आएंगी, सेपरेशन के जो चांसेस बन रहे थे अभी तक वो खत्म होंगे, भाई बहनों के साथ जो विवाद बन रहा था खत्म होगा, माता से बड़ा लाभ मिलेगा, गुरु समान किसी व्यक्ति से चाहे वो पिता ही हो बहुत लाभ मिलेगा, पारिवारिक जीवन खुशहाल, घर में फैमिली गेट टुगेदर का कहीं ना कहीं उम्मीद की जा सकती है, उसी के साथ साथ माता पिता का सहयोग, मानसिक शांति बनी रहे। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य। गरिष्ठ खाना, भारी खाना, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। खान पान का ध्यान, उससे ज्यादा व्यायाम का ध्यान रखना है, अगर ये नहीं करेंगे तो अगले 6 महीने स्थिति यहां खराब हो सकती है, निश्चित तौर पर आपको एक छोटे मोटे ऑपरेशन में भी जाना पड़ सकता है, जैसे गॉल ब्लैडर। थायराइड परेशान कर सकता है, हाई बीपी परेशान कर सकता है, तो निश्चित तौर पर यहां पर ध्यान रखिएगा, हार्ट का भी ख्याल रखिएगा। अब अगर बात करें कि क्या कोई बहुत बड़ी दिक्कत है स्वास्थ्य में, वो तो नहीं दिखती है, लेकिन दिक्कत इतनी जरूर है कि आपको परेशान करे और आपके खर्चे बढ़ा दे, किस पे, रोगों पर, बीमारियों पर, उसे कंट्रोल करने के लिए खान पान और व्यायाम, बस यही मूल मंत्र रहेगा। अब हमेशा जैसे आपको बताते थे कौन से महीने अच्छे रहेंगे, आपके लिए जनवरी से लेकर मार्च तक के महीने बहुत अच्छे रहेंगे, इस बीच किया हुआ काम लाभकारी रहेगा, किसी महीने की भी 11, 12, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30 ये तारीख में अगर काम करेंगे खासा लाभ रहेगा। नवंबर दिसंबर मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे जनवरी। अब भाई महा उपाय, क्या महा उपाय करें जिससे लाभ मिले। गुरुवार के दिन विष्णु नारायण भगवान को हल्दी से एक तिलक लगाएं और ओम एम क्लीम बृहस्पतये नमः इसका बराबर जाप करें 12 टाइम्स हर बृहस्पति।
निश्चित तौर पर बड़े लाभ लेके आएगा ये। अब इस गोचर रस आपके भाग्य को मिलते हैं कितने, 10 में से 9। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।